गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज निखिल अकवानी, योर साइंस टीचर एट स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 12, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अपन ने पिछले लेक्चर्स में क्या देखा था कि जो करंट होता है, करंट कैसे होता है, चार्ज के फ्लो करने की वजह से होता है। अब चार्जेस फ्लो कैसे होंगे, चार्जेस के फ्लो करने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस क्यों होना चाहिए, अपन कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वाटर टैंक है, ठीक है, एक यहाँ पे वाटर टैंक यहाँ पर है और एक वाटर टैंक यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या किया है, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। एक पाइप से दोनों को क्या कर दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, दोनों में वाटर को फिल कर दिया है, इसमें भी वाटर फिल कर दिया है और इसमें भी क्या कर दिया है, वाटर फिल कर दिया है, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों की हाइट जो देखी जाए, जितना वाटर फिल है वो सेम है, तो वाटर की हाइट सेम है तो यहाँ पर कोई भी वाटर का फ्लो नहीं होगा। मतलब सेम हाइट है तो इसके कुछ भी फ्लो नहीं होगा। वही मान लीजिए अगर मैं इसकी हाइट कम कर देता हूँ, अब इसका क्या किया मैंने, अब यहाँ पर मान लीजिए कि वाटर इस वाले सेकेंड वाले टैंक में, टैंक ए है और ये टैंक बी है, ठीक है। अब टैंक बी में क्या है कि वाटर की हाइट कम हो गई और टैंक ए में ज्यादा है, ठीक है। तो अब अपन को पता है अब वाटर फ्लो करेगा, और वाटर फ्लो कहां से करेगा, ए टैंक से बी में ये क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। क्यों फ्लो किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कुछ ना कुछ डिफरेंस था। मतलब अपन को कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा तभी कोई चीज फ्लो कर पाएगी, बिना डिफरेंस से कोई भी चीज फ्लो नहीं कर पाती। ऐसे अगर अपन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है, जो बॉडी ज्यादा टेम्परेचर है टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, हाईर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो करता है। ऐसे अपन ने वाटर का देखा, वाटर कैसे फ्लो करता है, हाइयर हाइट से लोअर हाइट पे क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो मतलब किसी भी चीज को फ्लो करवाने के लिए अपन को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ डिफरेंस चाहिए। ऐसे ही कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर्स में चार्ज को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए अपन को कोई ना कोई डिफरेंस चाहिए रहता है, और उसी डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसे अपन थोड़ा सा और अच्छा सा डीप में समझते हैं। जैसे ये तो अपन देख लिया कि डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है। अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे इसमें बहुत सारे, जो क्या करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं, कोई किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को एक इनको किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए मेरे को कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे वहां पे हाइट डिफरेंस थी तो वो फ्लो कर रहा था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो कौन करेगा, यहाँ पे अपन इसके लिए क्या यूज करते हैं, एक अपन सेल या बैटरी का अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सेल या बैटरी का यहाँ पे यूज किया, ठीक है, तब सेल और बैटरी में अपन को पता है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। वहीं अगर इस तरफ की बात करें, इस डायरेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये भी नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अपने पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो नेगेटिव नेगेटिव तो क्या करेंगे, एक दूसरे रिपेल करेंगे, मतलब ये एक दूसरे क्या होंगे, दूर जाना चाहेंगे। अच्छा, ये जब दूर जाना चाहेंगे तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, ये अपन को एक पर्टिकुलर तरीके से डायरेक्शन मिल जाएगा और इसी तरीके से क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक हाउस है, ठीक है, और एक हाउस मेरे पास यहां पर है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए पर क्या है, मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हुआ, वन कूलम चार्ज, यूनिट मतलब वन, ठीक है, पॉजिटिव
और कूलम चार्ज, ठीक है, इतना कूलम चार्ज है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पॉजिटिव यूनिट कूलम चार्ज को इस ए पॉइंट से मुझे कहां पर लेके जाना है, इसे लेकर जाना है मुझे बी पॉइंट पर, ठीक है। इस ए पॉइंट से मुझे कहां पर लेके जाना है, इसे बी पॉइंट पर लेके जाना है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, वहां पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, अपन ने देखा है लास्ट ईयर की फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ेगा। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो अपन वर्क करते हैं, उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसे डिफाइन कैसे करते हैं अपन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो मैं वर्क करूंगा, किसके ऊपर वर्क करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, उसी वर्क को अपन क्या करें बोलेंगे, अपन यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने क्या देख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया। अब अपन इसकी फॉर्मूला देखते हैं और इसकी यूनिट देखते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये क्या हो गया, अपन ने वर्क डन किया तो ऊपर आया वर्क डन, किसके ऊपर किया, चार्ज के ऊपर, तो वर्क डन बाय चार्ज, ये हो गया अपन को पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। इसे अपन पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं अपन वी से, वर्क डन को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और चार्ज को डिनोट करते हैं अपन क्यू से। तो अपन इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन की यूनिट अपन को पता है क्या होती है, जूल होती है। चार्ज की क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। तो ये जो जूल पर कूलम होता है ना, ये इसकी यूनिट होगी। और ये जूल पर कूलम को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। डिनोट करते हैं अपन इसे वी से। तो एसआई यूनिट यहां लिख देता हूं, एसआई यूनिट इज वोल्ट, और डिनोट कैसे करेंगे, वी से, ठीक है। अब मेजरिंग डिवाइस देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को अपन मेजर कैसे करते हैं। तो इसे अपन मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। मेजरिंग डिवाइस कौन सा है इसका, वोल्ट मीटर है। और एक चीज ध्यान रखना है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। वोल्ट मीटर को अपन कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने वहां बताया था, अपन ने जब करंट के बारे में पढ़ा था तो वहां पे अपन अमीटर देखा था, अमीटर उसका मेजरिंग डिवाइस था। और अमीटर को अपन कैसे कनेक्ट कर रहे थे, सीरीज में कर रहे थे। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को अपन कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में करते हैं मतलब कैसे करेंगे, मान लीजिए कि कोई भी सर्किट बनाता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए ये यहाँ पे अपन एक बल्ब बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे अपन एक लगा दिया, बैटरी लगा दी, सेल या बैटरी, ठीक है। अब मेरे को जो पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, इसके आपको इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है, दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अपन इसके कहाँ पे लगाएंगे, इसके अपन पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे इसका पॉजिटिव, यहाँ पे इसका नेगेटिव। ऐसे जरूरी नहीं ये नीचे, ये मैं चाहूँ तो मैं ये ऊपर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन होना कैसा चाहिए, हमेशा अपना वोल्ट मीटर इन पैरेलल, और अमीटर जो होता है, अमीटर अपन सीरीज में लगाते हैं।
तो अगर मेरे को यहाँ पे एमीटर लगाना होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा देता, इसमें मेरे को कोई भी इस तरीके से ब्रांच इसकी बनाने की जरूरत नहीं होती। तो यह अपन ने देख लिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब एक टर्म और आता है इसमें अपने पास, डेट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं अपन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो अपन पोटेंशियल की बात करें सिर्फ या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो ये क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये घर है ना, ये एक। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ इन्फिनिटी पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो +1 कूलम चार्ज यहाँ पे इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। इस इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लाने में जो मेरे को वर्क करना पड़ेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इन मूविंग अ, यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं अपन, दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। चार्ज की जगह क्या लिख देंगे अपन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट पर मैं लेके आ रहा हूं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सिंपली अपन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ ली, ये भी उसे भी अपन वी से डिनोट करते हैं, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला, वैसे वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। ठीक है, SI यूनिट क्या होगी, वोल्ट ही होगी। ठीक है, और मेजर तो अपन ने देख लिया सब कुछ इसके बारे में, जो पोटेंशियल डिफरेंस में जैसा होता है वैसे होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि उसमें अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला रहे थे, जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस था उसमें क्या कर रहे थे, मान लीजिए एक यहाँ ए पॉइंट है या बी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे अगर +1 कूलम चार्ज पड़ा है तो इस बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लाने में जो मैं वर्क करूंगा उसे क्या बोलेंगे अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वही अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो वो क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ अपन चले गए इन्फिनिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर चले गए, और यहाँ पे अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज पड़ा है तो इस 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से ए पर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आज अपन ने दो चीज देख ली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए जरूरी है ताकि चार्जेस फ्लो हो सके, चार्जेस फ्लो होंगे तभी तो करंट आएगा, जब तक चार्जेस फ्लो नहीं होंगे तब तक करंट भी वहां पर कंट्रीब्यूट नहीं होगा, तो इसलिए अपन को पोटेंशियल डिफरेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब एक चीज और देखना है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है किसी भी सर्किट में, ये पूछा भी जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, किसकी वजह से हो रहा था पोटेंशियल डिफरेंस, कौन क्रिएट कर रहा था वहां पे, ये अपन सेल या बैटरी की हेल्प से वो क्रिएट हो रहा था। जब तक अपन सेल या बैटरी नहीं लगा रहे थे तब तक तो वहां पे कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा था, तो सेल या बैटरी ही वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।